हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। व्हाट इज गोस्ट राइटिंग, गोस्ट राइटिंग क्या होती है, गोस्ट राइटर कैसे बनते हैं, गोस्ट राइटिंग करके आप कौन कौन से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इस बारे में हम आज के वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि गोस्ट राइटिंग एक्चुअली होती क्या है। गोस्ट राइटिंग का सिंपल सा ये मीनिंग है कि आप जो भी कॉन्टेंट लिख रहे हैं उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बिजनेस के लिए वर्क कर रहे हैं और उनको आप रेगुलरली समझिए कि वीक की 2-3 ब्लॉग पोस्ट दे रहे हैं, मंथली की 10-15 ब्लॉग पोस्ट लिख के दे रहे हैं, जो कि वहाँ उस कंपनी के समझिए कोई अथॉरिटी पर्सन है या फिर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग हेड है या फिर जो सीईओ है उनके नाम से पब्लिश हो रहा है। रेगुलर कंटेंट आप लिख के दे रहे हैं बट पब्लिश उनके नाम से हो रहा है, आपका कंटेंट का क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ पर एक गोस्ट राइटिंग कर रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल और लेके देखें कि कोई समझिए कि एक लाइफ कोच है, उनके पास उनको अपने फील्ड की काफ़ी नॉलेज है लेकिन उनके पास राइटिंग स्किल्स नहीं है, तो क्या करेंगे, एक राइटर हायर करेंगे और अपनी स्किल्स को शेयर करके प्रॉपर सेल्फ हेल्प बुक या फिर नॉवेल वगैरह बनवा सकते हैं और उस बुक को अपने नाम से पब्लिश कर सकते हैं। तो वहाँ पे कंटेंट आपने सारा लिखा है लेकिन जो बुक पब्लिश हो रही है उनके नाम से हो रही है, तो ये भी एक गोस्ट राइटिंग का पार्ट हो गया। जब हम डिस्कस करते हैं कि जो लोग होते हैं वो गोस्ट राइटर को क्यों हायर करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो कुछ मेन रीजन्स ये होते हैं कि एक तो उनके पास राइटिंग स्किल्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लाइफ कोच का एग्जाम्पल लिया कि उनके पास सारी स्किल्स है, लाइफ कोचिंग कैसे करनी है, वेलनेस कोचिंग कैसे करनी है, सब कुछ है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, लोगों को क्या बताना है, सब कुछ उनको पता है लेकिन उनके पास राइटिंग स्किल्स नहीं है। तो एक गोस्ट राइटर को हायर करेंगे और अपनी सारी जो एक्सपर्टीज है वो एक बुक के थ्रू प्रेजेंट करवा लेंगे आपके थ्रू। दूसरा, उनका टाइम बचता है क्योंकि उनको राइटिंग अगर थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, फिर वो एक राइटिंग ड्राफ्ट रेडी करें, फिर एक एडिटर हायर करें, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क बन जाता है, तो बेटर वो एक गोस्ट राइटर को हायर कर लेते हैं। फिर अपने बिजनेस के लिए कंटेंट लिखवाना है, आप किसी ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है लेकिन एक वेब पेज पे कंटेंट लिखवाना है, ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स जाने हैं, तो वो खुद वहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो आप एक गोस्ट राइटर हायर करेंगे और अपने नाम से सारा कंटेंट पब्लिश कर लेंगे। देन थर्ड पॉइंट कि उनको राइटिंग स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, एक गोस्ट राइटर हायर करके सारा काम करवा सकते हैं और अपनी एक्सपर्टीज को शेयर कर सकते हैं। तो एक कुछ बेनिफिट्स होते हैं, एक जो लोग होते हैं अपना गोस्ट राइटर हायर करने का उनका मोटिव ये होता है। फिर हम ये देखते हैं कि आपको गोस्ट राइटिंग करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको गोस्ट राइटिंग क्यों करनी चाहिए, जब आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा तो गोस्ट राइटिंग करने के दूसरे बेनिफिट्स हैं आपके। तो फर्स्ट ये बेनिफिट ये है कि आपको उसमें रिसर्च कम करनी पड़ती है, क्योंकि समझ लीजिए कि आप एग्जांपल वही लेते हैं लाइफ कोच वाला कि उन्होंने अपनी सारी टिप्स एक्सपर्टीज जो भी थी आपके साथ शेयर कर दी कि मुझे कॉन्टेंट में इंक्लूड करना है, तो आपको ज़्यादा कुछ अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, तो आपका जो रिसर्च वाला पार्ट है कॉन्टेंट राइटिंग का वो टाइम आपका सेव हो जाता है। दूसरा, पेमेंट इसमें अच्छा मिलता है क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा होता है, तो आप तब उनसे जो कोटेशन दे रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं और जो कंटेंट है उसको प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। समझिए आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा है या फिर एक पूरी बुक ही लिख के दी है उनको, तो आपको उस कंटेंट को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो प्रमोशन उसको करना है जिसके लिए आपने लिखा है, जिसने क्रेडिट लिया है वो प्रमोट करेगा अपना कंटेंट। देन आपको जो एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे अलग अलग तरह के गोस्ट राइटिंग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो उन पर आप वर्क कर रहे हैं, समझिए कि कोई ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, कोई ई बुक्स आ रही है, कोई डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई कंटेंट है जिसमें लेंथी कंटेंट है, तो समझ लो इसका एक्सपीरियंस अभी तक आपको नहीं है, तो ये सब लिख के आपको एक्सपीरियंस बन जाता है आपका। फिर हम देखते हैं कि कौन गोस्ट राइटिंग करते टाइम कौन कौन सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोस्ट राइटिंग में, आपको राइटिंग स्किल्स के साथ एडिटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो आपके ऊपर रिलाई कर रही है कंटेंट के लिए, क्योंकि आपके पास वो राइटिंग स्किल्स है और एडिटिंग और मतलब उनको बेस्ट कंटेंट आप प्रोवाइड करेंगे, तो आप राइटिंग स्किल्स है, फिर आपको प्रूफ रीडिंग करना आना चाहिए प्रॉपर, एडिटिंग करनी आनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि जो फाइनल कॉपी उनको देंगे कंटेंट का वो आगे वो एडिट नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब गोस्ट राइटिंग शुरू करें तो आपको पता होना चाहिए कि राइटिंग के अलावा प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है, प्रूफ रीडिंग और फिर एडिटिंग भी कैसे करनी है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट कि लेंथी कॉन्टेंट लिखना आपको आना चाहिए। जैसे अभी आर्टिकल्स लिखते हैं तो हम जनरली लोग जो वेबसाइट्स वगैरह होती है 1000 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स मैक्स तक जाते हैं, लेकिन गोस्ट राइटिंग में कुछ असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें लेंथी कंटेंट, जैसे कि पूरी ई बुक लिखवा ली इसमें 40,000 वर्ड्स हो गए, 20,000 वर्ड्स हो गए, तो बहुत बार आपको अपना पूरा मंथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने को रहता है, तो थोड़ा आपको कम्फर्टेबल हो जाना चाहिए कि लेंथी कॉन्टेंट को लिखने में कम्फर्टेबल हो जाऊँ, आप थोड़ा बोरिंग सा फील नहीं करें या फिर आपको मोनोटोनस सा फील ना हो, तो थोड़ा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और कैसे हैंडल करना प्रोजेक्ट्स को, ये चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए थोड़ी। देन थर्ड पॉइंट ये है कि किसी और के लिए लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको थोड़ी, जैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट या अपने फिर अपने नाम से जो कंटेंट जा रहा है उसमें अपने व्यूज ओपिनियंस कवर कर सकते हैं, लेकिन जब किसी गोस्ट राइटिंग कर रहे होते हैं, किसी और के लिए लिख रहे होते हैं, तो आपके ओपिनियंस वहाँ पे मैटर नहीं करते, जो
इंडस्ट्री लीडर है या जिसके लिए लिख रहे हैं, किसी डिजिटल मार्केटिंग के पर्सन के लिए लिख रहे हैं, तो उनके जो ओपिनियंस है वो इंक्लूड आपको करने हैं। तो उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की आपको आइडिया होना चाहिए, और कैसे कवर करना है पॉइंट्स को वो आपको थोड़ा सा प्रॉपर सीख लेना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट है कि रिविजन्स के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आप किसी और के लिए लिख रहे हैं, अगर आपने उनको फाइनल ड्राफ्ट करके दे दिया कि ये फाइनल कॉन्टेंट रेडी आपके लिए, बट उनको लगा कि अब कुछ पॉइंट्स है जो प्रॉपर नहीं कवर हुए हैं, या फिर जो जैसा वो कन्वे करना चाहते थे रीडर्स को अपने, वैसे कन्वे आप नहीं कर पाए, तो रिविजन्स आएंगे, कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी आपको वापस, तो उनके लिए आप रेडी रहिए। और ये गोस्ट राइटिंग में होता ही होता है हमेशा। देन फिफ्थ जो मेन पॉइंट है कि आपको डेडलाइंस मीट करनी है। किसी क्लाइंट को आपने बोल दिया कि मैं 1 मंथ का टाइम लूंगा, या फिर 2 मंथ का लूंगा, या फिर 1 वीक का टाइम लूंगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो जो आपने डेडलाइन दी है उसमें आप अपना टास्क पूरा करके दे दीजिए उनको, क्योंकि इससे क्या होता है क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है, लोगों को फिर ट्रस्ट होता है कि आप पंक्चुअल है, टाइम पे आप काम पूरा करके देंगे। तो फिर कभी और प्रोजेक्ट्स भी होते हैं तो आपको फिर प्रीफर करते हैं, नहीं तो आपकी ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है इस फील्ड में। तो जब आप गोस्ट राइटिंग का असाइनमेंट शुरू करेंगे अपना, तो उससे पहले आपको उन कौन सी चीज़ें उनसे पूछ लेनी चाहिए जिसके लिए आप कॉन्टेंट लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप कॉन्टेंट लिखने बैठेंगे तब आपको फिर पता चलेगा कि ये चीज़ मुझे पूछनी थी और ये चीज़ मुझे पता नहीं है। फिर बीच बीच में बार बार 3-4 बार कन्वर्जेशन करनी पड़ेगी, तो एक बार आप डिटेल प्रोजेक्ट को स्टडी कर लीजिए, पता कर लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे पूछनी है कॉमन, ताकि एक बार आइडिया हो आपके पास, नोट डाउन करके रखा हो, फिर बाकी जब कॉन्टेंट लिखने बैठें तब कोई इश्यूज नहीं आए। तो इनमें से कौन कौन सी डिटेल्स और इंस्ट्रक्शन आपको पूछ लेनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उनसे करना चाहिए कि वर्ड काउंट क्या रखना है आपके कॉन्टेंट का। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं किसी के लिए, तो उनसे पूछ ले कि आपकी एवरेज वर्ड काउंट क्या रखनी है, जैसे कि 1500 वर्ड तक रखना है, 2000 वर्ड रखना है, 1000 वर्ड रखना है, 800 वर्ड रखना है। तो प्रॉपर उनसे एक बार पूछ लीजिए कि कितने वर्ड्स में कवर करना है आपका आर्टिकल। कोई लेंथी कंटेंट है तो भी पूछ लीजिए कि कितने पेजेस, कितने वर्ड्स का कवर होना चाहिए आपका कंटेंट पूरा। देन सेकंड, जब आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे होते हैं, जब तो कीवर्ड रिसर्च वगैरह होती है, तो कुछ कंपनीज होती है जो कीवर्ड प्रोवाइड करती है आपको कि आपके कंटेंट में मुझे ये कीवर्ड्स चाहिए। तो कीवर्ड्स आप उनसे रेगुलर, जो भी जैसे कि समझ लीजिए कि 7 ब्लॉग पोस्ट पर मंथ आपसे लिखवा रहे हैं वो लोग, तो सबके आपको कीवर्ड्स पहले से ले लेने चाहिए, ताकि जब कंटेंट लिखने बैठे तो उनको आप इंक्लूड कर लो और उस हिसाब से कंटेंट आप रेडी कर सकते हैं टाइम पर। देन आउटलाइन, तो कुछ कंपनीज होती है या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं, उनको एक स्पेस उनकी पर्टिकुलर आउटलाइन को फॉलो करते हैं कॉन्टेंट में। जैसे कि समझ लो कि एक ई बुक लिख रहे हैं या फिर कुछ ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि कितने हेडिंग्स हो, उसमें इमेजेस यहाँ पर आनी चाहिए, या फिर कंक्लूजन होता है उसमें कौन सा वर्ड यूज करना है और क्या कवर करना है, तो सारी आउटलाइन का आइडिया भी ले लीजिए आप। बुक है तो बुक में कितने चैप्टर्स रखने हैं, उन चैप्टर्स में भी सब चैप्टर्स रखने हैं कि नहीं रखने हैं, तो सारा कुछ आप एक बार उनसे आउटलाइन का भी आइडिया ले लीजिए काम करने से पहले ही। देन स्टाइल एंड टोन इंस्ट्रक्शन, किस टाइप का टोन रखना है आपको, जिस कॉन्टेंट की ऑडियंस क्या है उस हिसाब से कॉन्टेंट का टोन एंड स्ट्रक्चर स्टाइल वगैरह रहता है। समझ लीजिए कोई बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए कोई कॉन्टेंट है तो आपको ऑथोरेटिव साउंड करना पड़ेगा कॉन्टेंट में, और कोई जैसे बाकी दूसरे लोगों के लिए है जो लेमैन है या कोई बिगिनर्स है किसी फील्ड में, तो उनके लिए आप जो टोन एंड लैंग्वेज यूज करेंगे वो अलग होगी। तो उस हिसाब से आपको पहले पता करना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस कौन है उस कॉन्टेंट के लिए। देन कॉन्टेंट को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन किस में लिखना है, जैसे कि समझ लीजिए कि नॉवेल्स वगैरह होती है, तो उनमें फर्स्ट पर्सन में भी बुक स्टार्ट होती है, थर्ड पर्सन में भी स्टार्ट होती है। जैसे कि बहुत बार होता है जो ऑथर होता है वो अपना आई से स्टार्ट करता है, जैसे कि अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है, और कभी जो ऑथर होता है जैसे उनका कैरेक्टर मेल कैरेक्टर है तो ही के साथ या फिर जो नाम है पर्सन का उसके साथ अपनी पूरी बुक कवर कर लेता है। तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन जिसमें भी कवर करना है कॉन्टेंट, वहाँ पहले उनसे पूछ लीजिए कि किस पर्सन में कॉन्टेंट को कवर करना पूरा। देन लिंकिंग रिक्वायरमेंट्स, लिंकिंग में इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, जब वेबसाइट पे कंटेंट जाता है, आर्टिकल्स, वेब पेज कंटेंट, तो कुछ इंटरनल लिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एक्सटर्नल लिंकिंग जाती है। इंटरनल लिंकिंग वो होती है जो अपने वेबसाइट के दूसरे पेजेस वगैरह पे लिंक्स वहाँ पे डायरेक्ट हो रही हो, और एक्सटर्नल लिंक्स होती है जो दूसरे वेबसाइट पे जा रही हो। तो वो भी रिक्वायरमेंट अगर स्पेसिफिक क्लाइंट की होती है तो वो आपको पहले पूछ लेनी चाहिए। देन लास्ट आपको पूछ लेना चाहिए उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे हमने इस ऊपर वाले पॉइंट में कवर किया था कि स्टाइल एंड टोन इंस्ट्रक्शन, तो ये जब लेंगे उस टाइम आपकी टारगेट ऑडियंस का भी उनको आप बता दीजिए कि उनके ऑडियंस कौन है और इस हिसाब से आप कंटेंट कवर करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे गोस्ट राइटिंग के, जो आप अगर बिगिनर थे कंटेंट राइटिंग में और गोस्ट राइटिंग के बारे में सोच लोगे कि क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि गोस्ट राइटिंग क्या होती है और गोस्ट राइटिंग के रिक्वायरमेंट क्यों है लोगों को, और आपको क्या बेनिफिट्स हैं गोस्ट राइटिंग के, और क्या क्या पॉइंट्स आपको गोस्ट राइटिंग करते टाइम पता होना चाहिए। थैंक यू।